नमस्कार दोस्तों, मैं हरपाल सिंह दरदेसवी न्यूज़ इंडिया से। आज हम मौजूद हैं हिसार प्रजापति भवन कुमार धर्मशाला में, जहां पर एक शेड का निर्माण करने जा रहे हैं और यहां पर डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा जी भी पहुंच रहे हैं। देखते हैं किस प्रकार ये कार्यक्रम है और क्या कहा उन्होंने। आज कुमार धर्मशाला हिसार के अंदर यहाँ उपस्थित प्रसाद माए हरियाणा सरकार में पूर्व चेयरमैन महेश वर्मा जी, इस संस्था के अध्यक्ष आदरणीय नारायण मोहन जी, आदरणीय चंद्रराम जी, आदरणीय सफोदा जी, अजीत सुरेश जी, आदरणीय सूबेदार इंदर सिंह जी, अजीत महेंद्र जी, सीताराम जी और यहाँ युवा नेता जी, यहाँ उपस्थित अपने समाज के सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मातृ शक्ति माताओं और बहनों, आज मैं धन्यवाद करूंगा यहाँ की कमेटी का, प्रधान जी का और तमाम सदस्यों का। इस शुभ अवसर पर यहाँ बुला करके आप सबसे रूबरू होने का मौका दिया, आपसे मिलने का मौका दिया और बधाई दूंगा कमेटी के तमाम सदस्यों का और आप सभी का, जिनका अपने खून पसीने की एक एक रुपया की एक एक पैसा यहाँ लगा करके शानदार तरीके से इस शेड का निर्माण करने का काम किया है। कोई भी प्रोग्राम हो, मौसम खराब हो जाए, बारिश आ जाए, तो भी उस प्रोग्राम में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। बहुत ही शानदार धर्मशाला का निर्माण यहाँ हुआ है, इस सब के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपके बीच में समय समय पर आने का मौका मिलता है और इस धर्मशाला के अंदर भी, जैसे बताया, मैं तीसरी चौथी बार धर्मशाला के अंदर आ रहा हूँ। यहाँ की कमेटी, यहाँ के लोगों का आपस का प्यार प्रेम एक भाईचारा बहुत अच्छा है और होना भी चाहिए। प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर इकट्ठे रहना, एकजुट होकर के रहना, ये भी अपने आप में ताकत होती है। इसलिए आप सबका प्यार प्रेम भाईचारा है, बहुत ही अच्छा है। इस बात के लिए भी तहे दिल से आप सबका धन्यवाद करूंगा कि मेरे साथ भी आप सबका विशेष स्नेह है। आप लोगों ने हमेशा प्यार से आशीर्वाद देने का काम किया है। हालांकि ये क्षेत्र मेरे चुनावी क्षेत्र के अंदर तो नहीं है, लेकिन जिसकी भी जहां जानकारी होती है, चुनाव के अंदर तन मन धन से आप लोगों ने हमेशा ही मेरे चुनाव के अंदर अपने आप को कैंडिडेट मान करके, चाहे मुझे पता भी नहीं कि बाद में पता चलता है कि महाराज पौधे से आए थे, वो भी आपके लिए वोट के लिए तय किए गए। इसके लिए भी आप सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। अभी प्रधान जी कह रहे थे यहाँ जब पहले आया था तो 5 लाख रुपए की घोषणा की थी, 5,60,000 का एस्टिमेट बना था, स्टेट से जो एस्टिमेट बना था उनको पूरा का पूरा जो है पूरा कर दिया। मेरे तो एक आदत है कि मैं जहां भी जाता हूँ, मैं केवल भारत राज्य नहीं बल्कि खासकर तो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, हमारे जो बैकवर्ड क्लास के कुछ भी इसको मोस्ट बैकवर्ड के लोग हैं, राज्य के अंदर बहुत कम लोग हैं, तो ज्यादा नहीं है, इसलिए उनको दिक्कत और परेशानी भी रहती है, क्योंकि अपने कोई ज्यादा राज्य के अंदर होते नहीं, सरकारी ग्रांट लेना भी उनके लिए दिक्कत और परेशानी रहती है। मैं तो मुझे
से लगभग 10-12 सालों से 2010 के अंदर मैं एमपी बना था। उस टाइम से कंटिन्यूस एमपी एमएलए आप सबके प्यार से आशीर्वाद से मैं रहा हूं, और जहां भी मैं गया, एक बार तो शाम का टाइम था, हम दादरी जा रहे थे, फोन आ गया, बोला जी चाय पी जाओ भाई, देखता था ये मैं तो आ गया तो मैं बैठते थे तो बोला ये क्या है तुम्हारी तरह धर्मशाला है, चैटरिंग हो रही थी, चाय से पी के हम चल पड़े, मेरी जा तो बंगो तो कोने तम मेरा ही कोने चल ना हारे को मैं कहा मैं क्योंकि छोटी सी जगह थी मैं अपने और से डायलॉग करके तुम्हारे को भिजवाऊंगा मैंने वहां भिजवा सामने में मेरे रोमा जी उसमें भी साथ थे एक कोई छोटी सी जगह थी वहां बैठ करके हमारे चाय पानी पी रहे थे ये क्या है तो ये हमारी छोटी सी वो है धर्मशाला की संत जी से उनके साथ ऐसे ही थोड़ा सा था उनके बढ़ाई को जो नाथ जी को ज्यादा मेरा कोई है नहीं और बढ़ाई नहीं इसका एस्टिमेट बढ़ाओ जितने पैसे करेंगे मैं गुजरता हूँ मतलब हमारे लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसे मांग रहे हैं बेचारों को पता ही नहीं था इतना वो आए मुझे बताया जाता है पीछे छात्रावास के अंदर भी प्रोग्राम हुआ था आप लोग थे स्टेज सुंदराराम जी ने स्मारण किया था फिल्मदार 21 लाख रुपए लेके जाओ मुझे 21 लाख अवसर किया आया था और फिर उन्होंने ये कहा कि भाई ये प्रोग्राम तो यहाँ छात्रावास में है इतने जो बाहर धर्मशाला प्रेम नगर है उसकी आदत ठीक नहीं है तो पैसे तो हमें उसमें लगाए थे सारे मैंने 21 किलो 25 भेजे धर्मशाला के और 6 लाख रुपए उसके जहाँ हमने प्रोग्राम कर छात्रावास के उसी टाइम पे मैंने भेजे हालांकि मैंने अनाउंस नहीं किए थे मुझे पता है कि हमारा जो समाज है मेहनत का समाज है और बहुत ज्यादा लोग जो है हालांकि धीरे धीरे बदलाव समाज के अंदर है बढ़ रहे हैं और आगे भी बढ़ रहा है समाज की बात की खुशी है लेकिन फिर भी ज्यादा संख्या में अगर बात करूं तो मेहनत करते हैं मजदूरी करते हैं छोटे मोटे दुकानदारी का काम करते हैं इस टाइप का काम हमारे लोग करते हैं हमारे पास ज्यादा पैसा नहीं इसमें कोई लो रहा नहीं हमारा जो समाज है वो ईमानदार है मेहनत कर अपनी करके खाने वाला है इसलिए आज संख्या अपनी है 9 लाख जी हमारे मुख्यमंत्री है जो हमारा नेतृत्व करते हैं उनके आशीर्वाद से मैं राज्यसभा पहले राज्यसभा मेंबर रहा अब मैं स्पीकर के करते हूँ तो कितना भी चुनाव जो अपने जो लोग हैं खासकर जो और भी ऐसे और दूसरे जो हमारे जो बैकवर्ड क्लास के जो खासकर है मेरा एक टारगेट रहता है जो वंचित वर्ग जो गरीब जो वर्ग है उनको मैं ज्यादा ना बोलते हुए आप लोगों ने यहाँ बुलाया मैं तो कमेटी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और आपको विश्वास करता हूँ मेरे लायक अगर कोई भी काम हो इसके कहीं कोई कुछ और बनाना हो कोई निर्माण करना हो तो आप सोच के बता देना उसको भी बताने में कोई दिक्कत नहीं है मैं आपके लिए विश्वास जरूर दिखाता हूँ कि अभी आपने मुझे कोई बताया नहीं कि मुझे हमें तो कुछ करना है तो जब भी हो आपकी कमेटी बने हो तो कभी भी कोई भी मेरे लायक हो तो आपको पुनः मैं पूरे पंचायत में पूरा समाज बैठा हुआ इसमें विश्वास करता हूँ कि कोई भी जिम्मे लगाएंगे उस कार्य को अधूरा नहीं रहने देंगे उसको पूरा करवाने का काम करेंगे इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से नागरमल जी को और इनकी पूरी टीम को और इनकी पूरी टीम जितने भी साथियां बैठे हैं आप लोगों के बगैर कुछ नहीं कर सकती इसलिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ आपने बहुत ही सुंदर शानदार भवन का यहाँ निर्माण किया बैठ करके बातचीत कर सकते हैं अपने कोई ब्याह शादी का प्रोग्राम हो कोई पंचायत हो कोई और कोई प्रोग्राम हो बैठ करके यहाँ एक शानदार भवन का निर्माण करने का काम किया इसके लिए आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और आज क्योंकि लगातार 2 दिन से माननीय मुख्यमंत्री यहाँ थे जो प्रोग्राम उनके अंदर था जो प्रोग्राम आज के रखे हुए थे दिन के सुबह के उसमें भी मुझे अब जाके आना है इसलिए आप सबसे विदा चाहूंगा आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।